दोस्तों ये आज मेरे पास एक केस है जो कि एक ये लेनोवो का है और इसमें नो डिस्प्ले है, राइजन प्लेटफॉर्म पे है ये और पार्ट नंबर है NMC 511 इस तरह से है। तो पार्ट नंबर से अपने को कोई लेना देना नहीं है, पार्ट नंबर कोई भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म राइजन का है इतना याद रखना पड़ेगा आपको। कहीं भी राइजन का प्लेटफॉर्म हो जैसे कि राइजन 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी सीरीज हो पर्टिकुलर मोबिलिटी में, तो एक इशू आ रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि करंट बहुत अच्छा खासा कंजप्शन करता है बट ये डिस्प्ले नहीं आता है। और चाहे आप उसमें आप रैम कन्वर्ट करते रहते हैं या फिर रैम चेंज करते हैं या वायस राइट करते हैं, फिर भी आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाता। और उसका रीज़न ये है कि उसमें उसका जो SoC है यानी कि राइजन CPU है वो होता है ख़राब। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि उस तरह से मतलब कौन से केस में किस तरह का जब दिखेगा क्या देख के उसको हम ख़राब मान सकते हैं, एक चीज़ जो है आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह से केस में भी सबके पास आ रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ के बिहेवियर्स दिखाता हूँ कि किस तरह से बिहेव करेगा। तो मैंने इसको DC ऑन किया जस्ट, अब देखो ये अच्छा खासा करंट कंजप्शन किया है, यहाँ पे लाइट LED ब्लिंक कर रहा है और ये करंट मूव कर रहा है। और इस तरह से देखोगे इसमें कुछ इस तरह से चल रहा है करंट का कंजप्शन कि मतलब अभी डिस्प्ले आने वाला है उस तरह से। तो ये इस तरह से इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सिस्टम जो है ना लूप में है, यानी कि एक तरह से एक ही जैसा कोड यहाँ पे चल रहा है और रीसेट हो रहा है। इसमें PLT रीसेट, प्लेटफॉर्म रीसेट अगर देखोगे तो मे भी आता रहेगा और मे भी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, तभी ये कोड लूप में चल रहा है। और लूप में चल रहा है मुझे कैसे मालूम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एक DSO को अच्छे से मेजर कर देखना, एनालाइज देखो एक बार के लिए। मैंने इसको थोड़ा सा इसका थ्रेशोल्ड चेंज कर दिया, अब मैं इसको बंद करता हूँ, वापस ऑन किया DC मशीन को और थोड़ा सा देखना चालू करो। ये सिमिलरली वेवफॉर्म आ रहे हैं यानी कि बोर्ड लूप में है, बोर्ड रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इशू है अब देखो ये बंद हो गया, एक जगह पे रुक गया, वापस से चालू करता हूँ फिर उसी तरह से आ रहा है। एज इट इज सारा चीज़ ऐसे ही काम कर रहा है। तो इसमें आप चाहे रैम कन्वर्ट कर लो, अगर इस तरह के बिहेवियर आपको पास मिल जाते हैं तो आप चाहे इसमें रैम चेंज करिए, चाहे बायस राइट करिए, चाहे बायस बिल्ड करिए, चार जगह से बिल्ड करवा के डालिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, ये चीज़ चलने वाला है नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आएगा किसी भी हालत में क्योंकि इसमें है SoC फॉल्टी। और SoC कौन से हैं, किस तरह के दिखते हैं मैं भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह से करंट कंजप्शन ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा उम्मीद रहता है कि ये मतलब इस पर डिस्प्ले मिल जाएगा ऐसा करके, बट मिलता नहीं है डिस्प्ले। ये है राइजन प्लेटफॉर्म पे, अभी कौन सा सीरीज है चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो जिस तरह का CPU यहाँ पे जिस तरह का दिख रहा है वो अगर आपके पास मिल जाते हैं, ये CPU में इस तरह से बिहेवियर कर रहा है AMD का राइजन पे, तो आपको उसको छोड़ ही देना है। आप कोशिश कर सकते हो बायस राइट करके, रैम डिजेबल करके, बट वो टाइम वेस्टिंग है और कुछ उसके कुछ अलावा कुछ होगा नहीं। कि अगर ये सिस्टम कोड में है मतलब लूप में है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेसर फॉल्टी है ही है 100%। तो एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका टाइम बच सके, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व की है, देखी है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि शेयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इंक्वायरी भी आते हैं कि बायस राइट कर लिया नहीं चल रहा है, ये सप्लाई बन रहा है उसे, इवन यहाँ पे सारे सारे सप्लाई मिल जाते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन रहता है कि ये शायद चल जाए, शायद डिस्प्ले आ जाए, इसके लिए हमारा मतलब एक एक्सपेक्टेशन रहता है बट ये आता नहीं है डिस्प्ले। तो ये सिस्टम में प्रोसेसर खराब है तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने का रिक्वायरमेंट, अगर आप प्रोसेसर चेंज कर सकते हो देन आ जाएगा डिस्प्ले, इमीडिएट आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तो छोटा सा नॉलेज है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने काम पर, यानी जब आप करते हो काम उसको एक बार क्लियर, इस चीज़ को देख सकते हो कि जो चीज़ मैंने दिखाई क्या कंडीशन मैच कर रहे हैं उस केस में, आपको 90% तो एटलीस्ट मैं गारंटी लेता हूँ कि उसमें CPU फॉल्टी मिल जाएंगे, और 10% ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई रिक्वायरमेंट मिस हो रहा होगा। तो लेकिन मेरे को जितना बार मिला है चीज़ सब उसमें हमें प्रोसेसर ही फॉल्टी निकले। तो एक छोटा सा नॉलेज है, मिलते हैं दूसरे केस में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।